क्या कि एक सैटेलाइट इमेज के हवाले से बताया गया है कि किम के रिजॉर्ट में खड़ी है उनकी स्पेशल ट्रेन। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनकी सेहत को लेकर दो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शनिवार देर रात हांगकांग के एक चैनल ने अपनी रिपोर्ट में किम की मौत की बात कही। वहीं दक्षिण कोरिया की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हार्ट सर्जरी के बाद किम स्वस्थ हैं और रिजॉर्ट में घूम रहे हैं। उधर चीन ने भी किम के स्वास्थ्य को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह की अटकलों के बीच डॉक्टरों की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी है। चीन की मेडिकल टीम के एक सदस्य ने जापान की मैगजीन को बताया कि किम जोंग कुछ महीनों से हार्ट की परेशानी से जूझ रहे थे और पिछले दिनों चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी एक सर्जरी भी हो चुकी है, अब हार्ट में स्टंट डालने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दक्षिण कोरिया और चीन के अधिकारियों ने तानाशाह के रिकवर होने की रिपोर्ट को बिल्कुल नकारा है। उन्होंने कहा था कि सर्जरी के बाद किम की जान को खतरा है। हालांकि कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम के बीमार होने की खबरों को गलत बताया था। बीजिंग से संचालित हांगकांग के SKS टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की मौत हो चुकी है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीनी मैसेजिंग ऐप वीबो पर किम की मौत की खबर का पोस्ट वायरल हो रहा है। एक अन्य रिपोर्ट में बीजिंग के सूत्रों ने कहा है कि किम के हाथ में स्टड डालने का ऑपरेशन गलत हो गया है, क्योंकि एक सर्जन के हाथ कांप रहे थे। किम के रिजॉर्ट बीच पर होने का दावा भी दक्षिण कोरिया की एक मीडिया रिपोर्ट में अलग बात कही गई है। ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 ने भी इसे पब्लिश किया है। इसके मुताबिक किम अपने लग्जरी बीच रिजॉर्ट पर है। वो अपनी निजी ट्रेन और बेहद चुनिंदा स्टाफ के साथ रिजॉर्ट पहुंचा। वॉशिंगटन स्थित नॉर्थ कोरिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया है कि किम उत्तर कोरिया के लग्जरी बीच रिजॉर्ट पर है। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट 38 नॉर्थ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 21 और 23 अप्रैल को वॉन्सन के लीडरशिप स्टेशन पर किम जोंग की ट्रेन देखी गई। बताया कि ट्रेन से इस बात का तो पता नहीं चलता कि किम की तबीयत कैसी है, लेकिन इस बात की पुष्टि होती है कि वे अपनी लग्जरी बीच रिजॉर्ट पर मौजूद हैं।